की लाइन से मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद मैकेनिक भी हूँ और मुझे खास तौर पे पूरा गाड़ियों में ट्रक लाइन में एक चीज़ मैं मास्टर टाइप हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिक भी हूँ। इस वास्ते कि मैंने सबसे पहले मैंने मर्सिडीज इस्तेमाल करता रहा, फिर मैंने वॉल्वो लिया, वॉल्वो लेने के बाद में दोनों चीज़ों में, फिर मैंने उसके बाद में 2007 में मैंने स्कानिया नया निकाला। जब स्कानिया नया निकाला पूरा मैंने मसल ने उसका फ्यूल का सिस्टम देखा, पावर का सिस्टम देखा, मुझे स्कानिया बहुत अच्छा लगा। दो गाड़ी मैंने नया निकाला, दो गाड़ी आपसे मैंने स्कानिया लिया, और उसको क्या किया मैंने, एक ही जगह पे मैंने लोड डाला, एक ही जगह पे अबू धाबी मास्टर ने यहाँ रवेस में यहाँ खाली किया, उसके अंदर गाड़ी जब रिटर्न वापस आया उसका मैंने देखता था कि माइलेज डीजल का क्या है दोनों का, लेकिन जो 100 दिरहम का फ़र्क पाती थी स्कानिया, कम खाती थी ज़्यादा खा रही थी, इसके लिए स्कानिया को ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मैंने सालाना जो ना मार्जिन मैंने बचत देख रहा है कि मुझे पूरे साल की कितनी बचत स्कानिया फ्यूल में क्या बचाती, क्योंकि मेरा एक ड्राइवर का सैलरी निकाल रही है फ्यूल के अंदर से, तकरीबन 4 साल मैंने इस्तेमाल करता हूँ मुझे फ्री में पड़ता है। नया ट्रक आप लेंगे 5 साल आप चलाएं, 5 साल के बाद में आपको पता चलेगा क्या ट्रक आपको यूज़ में क्या मिल रहा है, आपको मेंटेनेंस में क्या फ़र्क आ रहा है, और आपके पूरे स्पेस में क्या फ़र्क आ गया, आपको डीजल में क्या फ़र्क आ रहा है। 2 साल 3 साल आप आंखें बंद कर दो, कभी सोचो भी नहीं कि वो मेंटेनेंस आपके पास रख लें, और वो आपने जो पुराना ट्रक लेते हो वो हर महीने में आपको 3 दिन भी चलाया गया मसलन वर्कशॉप में अगर खड़ा हो गया, 3 दिन का आपका सारा 3 दिन के अंदर आपका मेंटेनेंस का स्पेयर पार्ट का खर्चा आएगा, वो आपके ऊपर वो कास्ट पड़ेगी। किसी को मैंने माल देना है वो उस टाइम से मैंने माल नहीं पहुंच पाएगा मेरा, क्यों कि अगर ब्रेक डाउन होएगा, चूँकि 10,000 किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर चला होएगा यूज़ होएगा, मुझे कुछ फ़ायदा, चूँकि वो असल मेन चीज चल चुके होता है। I'm very happy to be here today to learn about our customers' daily life and challenges. This is what matters. In the end of the day, our customers' business is the only business that matters. We want profitable customers. We want to be partners with our customers and help them to become profitable. We're a family, a Scania family, and we help each other, support each other in good days as well as in bad days. We promise our customers the best total operating economy, and that is confirmed here today, and that makes me very proud and happy.